हमारा आज का क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सिस्टम पे बेस्ड है इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे पर शायद ये वाला नहीं किया होगा ये पत्थर ऊपर जा रहा है ये फ्लोर ऊपर जा रहा है, अब यह फ्लोर रुक चुका है ये पत्थर आके ऐसे टकरा गया ऐसे ही कुछ हुआ है थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को ही अटपटा भी लग रहा होगा क्वेश्चन अभी तक पर हो सके तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए ये क्वेश्चन समझना जरूरी है मेरी समझ से हेलो स्टूडेंट्स आज हम रिलेटिव मोशन के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम करेंगे रिलेटिव मोशन के ऊपर प्रॉब्लम को लेने के पहले मैं आपको रिलेटिव मोशन के बेसिक कॉन्सेप्ट दो मिनटों में समझा देता हूँ ये तीन इक्वेशन से आप सभी फैमिलियर हैं पहला इक्वेशन है आर बी इज आर बी माइनस आर ए क्या मीनिंग है इसका पोजिशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज आर बी minus ra position vector of b minus position vector of a similarly velocity of b with respect to a is velocity of b minus velocity of a and similar equation holds for acceleration what are these equations actually what do they mean essentially how do we know where to apply these equations these are the major thing that we need to understand and the answer is very simple very simple let us talk in terms of velocity it is much simpler in any reference frame, in any ref any reference frame, okay. I, I say in any reference frame, let us say there is a pilot in the helicopter. Okay, there is a pilot in the helicopter, and he is observing two objects. Let us say he is observing two cars, car A and car B. Both the cars are moving, and both the cars are moving for this particular observer, right? This is the observer inside the helicopter helicopter itself might be moving this particular observer finds or records that velocity of A is VA so velocity of object A is known in this reference frame right similarly this observer notices that velocity of object B is VB which means velocity of both A and B are known in this reference frame uh, this could be any reference frame uh, observer can be located on the ground itself observer can be he in helicopter observer can be traveling in a train any reference frame in any reference frame we know the velocity of two objects now the question that comes to our mind is what is velocity of b as seen by the driver of a b ki velocity a ko kya suppose we wish to answer this question of course if we have phone number of driver of a we can give him a phone call and ask him what is velocity of b that you are seeing but assuming that we do not know we are not acquainted with the driver of car a we do not know his phone number we cannot give him a call but this particular man knows velocity of a knows velocity of b he need not give a call to driver of a in fact he can use this equation and calculate for himself वॉट इज़ वेलासिटी ऑफ बी एज सीन बाई ए बी की वेलासिटी जो ए को दिख रही है उसको फिजिक्स के लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं द इज वेलासिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट मीन्स एज ऑब्जर्व बाई एंड इट इज कैलकुलेटेड एज वी बी माइनस बी ए वट आज वॉट आर वी बी एंड बी ए अगेन आई री स्ट्रेस वी बी एंड वी ए आर वेलासिटी ऑफ ए एंड बी रिकॉर्डेड इन एनी रेफरेंस फ्रेम किसी एक रेफरेंस फ्रेम में इन दोनों ऑब्जेक्ट की इन इन मोस्ट ऑफ द केसेज नॉट ऑलवेज इन मोस्ट ऑफ द केसेज यू सी दैट देर इज एन ऑब्जर्वर ऑन दी ग्राउंड और ग्राउंड पे खड़े आदमी ने ए और बी दोनों की वेलोसिटी रिकॉर्ड की आपको बता दिया अब ए को बी की वेलोसिटी क्या दिख रही है ये जानने के लिए उसे फोन कॉल नहीं करेंगे हम ये इक्वेशन यूज करेंगे ठीक उसी तरीके से एक को बी की पोजीशन क्या दिख रही है जानने के लिए पहला इक्वेशन और एक को बी का एक्सल्रेशन क्या दिख रहा है ये जानने के लिए तीसरा इक्वेशन इसमें ए बी और ए ए क्या है ए बी और ए एक्सलरेशन है इन दो ऑब्जेक्ट्स के जो किसी एक रेफरेंस फ्रेम में रिकॉर्ड किए गए इस ऑब्जर्वर ने इन दोनों का एक्सलरेशन मेजर कर लिया रिकॉर्ड कर लिया तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल करके कि यहाँ बैठे ऑब्जर्वर को इसका एक्सलरेशन क्या दिख रहा है बेसिकली कॉन्सेप्ट इतना ही है अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें डेटा किसी एक रेफरेंस फ्रेम में दिया है क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जैसे हेलीकॉप्टर के पायलट ने क्या ऑब्जर्व किया वेलोसिटी एक्सेलरेशन ये सब दिए हुए हैं बट क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है जिसको सॉल्व करना बेहद आसान हो अगर हमारा ऑब्जर्वर ए में बैठा हो क्वेश्चन कुछ ऐसा क्रिएट किया जा सकता है जिसका सोल्यूशन बहुत आसान हो अगर हम ऑब्ज़र्वर को ए में एज्यूम करें तो डेटा सारा इसके रेस्पेक्ट में दिया है पर हम चाहते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर ए में बैठ के देखे क्वेश्चन uh, बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है उस केस में ए में बैठा आदमी बी का मोशन क्या देख रहा है तो ए में बैठे आदमी को बी का मोशन क्या दिख रहा है ये हम समझ सकते हैं इन इक्वेशंस की मदद से तो अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ये सिंपल वन डायमेंशनल मोशन का क्वेश्चन है बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं ऐसा करूंगा कि क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद आपको क्वेश्चन का आंसर भी बता दूंगा जिससे कि आप खुद से बैठ के जरूर उसको ट्राई करो ठीक है और आंसर आ गया तो बहुत खुशी की बात है नहीं आया तो फिर आप मेरे सोल्यूशन को जरूर देखो ठीक है आंसर आ गया तो भी जल्दी जल्दी करके ही सही सोल्यूशन को देख लेना हो सकता है कोई ऐसी बात निकल आए जो तुम्हें ना पता हो पर मैं क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी आपको बता दूंगा जिससे आप में से जो लोग खुद ट्राई करना चाहते हैं उनको मजा आए क्वेश्चन को करने में तो आइए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल सिस्टम पे बेस्ड है इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे पर शायद ये वाला नहीं किया होगा मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा यह एक एलिवेटर है यह एक लिफ्ट है लिफ्ट जिसकी हाइट है फ्लोर टू सीलिंग हाइट चार मीटर राइट यह लिफ्ट ऊपर जा रही है और इसमें ब्रेक लगाया जा रहा है यह स्लो हो रही है रुकने वाली है रुकेगी अपर फ्लोर पे जाके कहीं इस लिफ्ट की हाइट फोर मीटर है लिफ्ट का रिटार्डेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है लिफ्ट ऊपर जा रही है लिफ्ट का रिटार्डेशन टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ध्यान से सुनिए जिस समय जिस समय लिफ्ट की वेलोसिटी वन मीटर पर सेकेंड थी जिस समय लिफ्ट की वेलोसिटी वन मीटर पर सेकेंड थी उस समय एक ऑब्जेक्ट लिफ्ट की सीलिंग से खुल करके डिटैच होकर नीचे गिरने लगा जैसे यहां कोई नट बोल्ट कसा हुआ था वो बोल्ट खुल गया मान लो किस समय खुला फिर से सुनो लिफ्ट ऊपर जा रहा है रुकने वाला है लिफ्ट रुक जाएगी फाइनली ठीक लिफ्ट ऊपर जा रहा है ब्रेक लगाए एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जिस समय लिफ्ट की वेलोसिटी सिर्फ वन मीटर पर सेकेंड थी उस समय ये पीले कलर का ऑब्जेक्ट सीलिंग से खुल गया छत से खुल गया उसके और नीचे गिरने लगा पहला क्वेश्चन ये है कि कितनी देर में ये ऑब्जेक्ट लिफ्ट के फ्लोर से टकरा जाएगा ज टाइम ऑफ फॉल ऑफ दू द्लोर ऑफ दी लिफ्ट कितने सेकंड में यह पीला ऑब्जेक्ट लिफ्ट के फ्लोर से टकरा जाएगा यह पहला क्वेश्चन है इसका आंसर लगभग पॉइंट नाइन सेवन सेकेंड है यह आपको कैलकुलेट करना है जी की वैल्यू स्मॉल जी की वैल्यू टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए दूसरा क्वेश्चन है वॉट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई दिस बोल्ट दिस ऑब्जेक्ट बाई द टाइम इट हिट्स दिन फ्रेम ऑफ द्राउंड ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में इस पीले रंग के ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा जब तक कि वो फ्लोर से टकरा गया फ्लोर से टकराने के पहले तक उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल बताना आई एम स्ट्रेसिंग इट डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट एज ऑब्जर्व बाय समबडी स्टैंडिंग ऑन ग्राउंड ग्राउंड पे खड़े आदमी ने उस पीले ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रेवल किया देखा है बाय द टाइम इट हिट्स द फ्लोर ऑफ द लिफ्ट एंड द्री पॉइंट एट थ्री मीटर सो आई होप कि मैंने क्वेश्चन को ठीक से समझा दिया आपको अब आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से बड़े मन से क्वेश्चन को ट्राई कीजिए ठीक है मैं इसका यहाँ पे सोल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ सबसे पहले जो मेरे मन में बात आती है कि यहाँ कुछ रिलेटिव मोशन जैसा कुछ यूज भी करना है ये ख्याल कैसे आएगा मुझे रिलेटिव uh, मोशन के कुछ कुछ इक्वेशन आपने सर लिख दिए पर रिलेटिव मोशन का कोई भी कॉन्सेप्ट मुझे इस क्वेश्चन में अप्लाई करना चाहिए इस बात का ख्याल मुझे आएगा तो आएगा कैसे कोर्स क्वेश्चन ग्राउंड फ्रेम में बन सकता है बियॉन्ड डाउट मैं कैसे समझूं कि रिलेटिव मोशन से ये क्वेश्चन रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके रेफरेंस फ्रेम बदल करके ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा तो सबसे पहले इस बात को बारीकी से समझ लें अगर एक आदमी जमीन पे खड़ा है ग्राउंड पे खड़ा है यहां एक ऑब्जर्वर इस ऑब्जर्वर के लिए यह क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट हो रहा है कितने समय में यह ऑब्जेक्ट फ्लोर को टकरा जाएगा फ्लोर से टकरा जाएगा इस ऑब्जर्वर के लिए यह क्वेश्चन जरा ज्यादा ही डिफिकल्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां दो चीजें मूव कर रही हैं एक तो ये पीले कलर का ऑब्जेक्ट मूव करेगा दूसरा ये फ्लोर भी मूव करेगी और फिर दोनों कहीं टकरा जाएगी ऐसा कुछ होगा दूसरा इस क्वेश्चन में जो एक बहुत ही अहम बात है जिसपे आपका ध्यान होना चाहिए अगर आपने ध्यान नहीं दिया था तो मेरी इस बात को सुनकर फिर से वीडियो पॉज करके ट्राई करना लिफ्ट बहुत धीमे हो चुकी है ऑलरेडी और बहुत थोड़े समय में रुकने वाली है प्रिसाइजली पॉइंट फाइव सेकेंड में लिफ्ट रुक जाएगी इसका ख्याल किया था क्या तुमने अब फिर से ट्राई कर लो क्वेश्चन तो जमीन पे खड़े आदमी को बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन दिख रही है ये कुछ दूर चला रुक गया ये बोल्ट ऊपर गया ऊपर क्यों गया ग्राउंड पे खड़े आदमी के लिए इस ऑब्जेक्ट इस पीले कलर के ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है ये वन मीटर पर सेकंड है देखिए जरा ड्रामा देखिए जमीन पे खड़े आदमी को इस पीले ऑब्जेक्ट का मोशन कैसा दिखेगा लेट लेटेस रेज्यूम किया जो लिफ्ट है एकदम ट्रांसपेरेंट कांच की बनी हुई है और ये ऑब्जेक्ट जो है बिल्कुल एकदम चमकीला है चमक रहा है आप ग्राउंड से खड़े होकर उस ऑब्जेक्ट को साफ साफ देख सकते हो Osionfish. तो जिस समय ये छत से खुला उस समय इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो नहीं है लिफ्ट के अंदर हर चीज लिफ्ट की छत में लगी हुई हर नट बोल्ट फैन जो कुछ भी है सब के सब वन मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहे हैं इस समय तो जिस समय ये बोल्ट डिटैच हुआ जिस समय ऑब्जेक्ट छत से खुला खुलते ही उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाएगी खुलते ही उसकी वेलोसिटी वही रहेगी जो पहले थी किसी भी चीज की वेलासिटी वेलौसि ऑल ऑफ ए सडन नहीं बदलती इनर्शिया ये ऑब्जेक्ट छत से चिपका है वन मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है अगर ये खुल गया तो इसकी वेलोसिटी सडनली जीरो नहीं होगी ये तो वन मीटर पर सेकेंड ही रहेगी ऊपर की तरफ तो ग्राउंड पे खड़े आदमी को ग्राउंड पे खड़े आदमी को ऐसा दिखता है कि ये बोल्ट खुला और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वन मीटर पर सेकेंड अपवर्ड है कि नहीं इसकी वेलोसिटी है वन मीटर पर सेकेंड अपवर्ड इस वेलोसिटी के साथ ऊपर जाने वाला ये पार्टिकल ग्राउंड पे खड़े आदमी को जी रिटार्डेशन से चलता हुआ दिखेगा अगर वो सीलिंग से हट चुका है छूट चुका है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी कितनी होगी वन मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है लेकिन थोड़े समय के बाद उसका रिटार्डेशन वो जैसे ही छूट चुका उसके बाद उसका रिटार्डेशन जी है मीटर पर स्क्वायर डाउनवर्ड क्योंकि अब उसका सीलिंग से कोई कनेक्शन नहीं है सीलिंग जो है सीलिंग ऐसे आपको शायद समझने में दिक्कत हो रही होगी मैं सीलिंग पे सीलिंग को ब्लू कलर से रंग देता हूं देखिए सीलिंग ब्लू कलर की जो लाइन है इस लाइन

जो ब्लू लाइन है उसकी वेलोसिटी अभी भी शायद 0.2, 0.3 बची हुई है ऊपर की तरफ लेकिन ये तो रेस्ट में आ चुका है इस पर जबरदस्त रिटार्डेशन एक्ट कर रहा था रिटार का ये फिर नीचे भी आना शुरू हो चुका है तो दोनों के बीच में साफ एक गैप डेवलप होता हुआ दिखाई देगा पर ठीक है जमीन पे खड़े आदमी को इसकी इनिशियल वेलोसिटी वन मीटर पर सेकंड दिखाई दी और इसका एक एक्सलेशन जी टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड दिखाई दिया तो जमीन पे खड़े आदमी को इस पीले ऑब्जेक्ट का जो पाथ दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये पीला ऑब्जेक्ट पहले ऊपर गया अब फिर नीचे आ रहा है और ये लिफ्ट की फ्लोर ऊपर जा रही थी और दोनों में टक्कर हो गई ऐसा कुछ दिखाई देगा तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं मैं फिर से कह रहा हूं आप कीजिए ट्राई कीजिए कर लेंगे लेकिन अगर मैं अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर दू मैं ऐसे सोचूं कि यार लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में बैठ के देखते हैं कि क्या दिख रहा है एक ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में बैठा है उसको क्या दिख रहा होगा लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में बैठे ऑब्जर्वर को लिफ्ट के अंदर की हर चीज रेस्ट में दिख रही है लिफ्ट भी उसे चलती हुई नहीं दिख रही है ये जो बोल्ट है इसकी वेलोसिटी भी उसे जीरो ही दिख रही है आप लिफ्ट के अंदर हैं तो जो छत पे फैन लगा है उसकी वेलोसिटी जीरो है कोई भी नट बोल्ट है तो आपको उसकी वेलोसिटी जीरो दिख रही है अब यह खुल गया खुलने के बाद प्लीज ध्यान दीजिएगा खुलने के बाद इसके खुलने के बाद इसका एक्सलरेशन इस आदमी को क्या दिखेगा इस बोल्ट का एक्सेलरेशन इस आदमी को क्या दिखेगा मतलब हम जानना चाहते हैं व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट विथ रेस्पेक्ट टू दिस मैन या विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कैसे निकलेगा ये एक्सेलरेशन ऑफ बोल्ट माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट इस आदमी को बोल्ट का एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा ये जानने के लिए हमें किसी किस्म का एक्सपेरिमेंट नहीं करना है हम जानते हैं कि ग्राउंड पे खड़े आदमी को इस बोल्ट का एक्सेलरेशन टेन डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है हम जानते हैं कि ग्राउंड पे खड़े आदमी को लिफ्ट का एक्सेलरेशन टू डाउनवर्ड दिखाई दे रहा है तो ग्राउंड पे खड़े आदमी को बोल्ट का एक्सेलरेशन भी पता है टेन डाउन और लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी पता है टू डाउन तो नेचुरली हम इस इक्वेशन की मदद से यह पता लगा सकते हैं कि इस आदमी को इस बोल्ट का एक्सेलरेशन क्या दिखाई दे रहा है इस आदमी को इस बोल्ट का एक्सेलरेशन एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखाई देगा गौर किया जाए इस आदमी को लिफ्ट की फ्लोर चलती हुई नहीं दिख रही है बिल्कुल नहीं दिख रही है इस आदमी को इस पीले पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी भी नहीं दिख रही है जीरो दिख रही है व्हाट इज इज वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ ऑफ दिस पार्टिकल रिस्पेक्ट टू टू लिफ्ट लिफ्ट इनिशियल बोल्ट रिलेटिव जीरो इस आदमी को इस बोल्ट की कोई वेलोसिटी नहीं दिख रही है इनिशियली इस आदमी को इस बोल्ट का एक्सेलरेशन एट डाउनवर्ड दिख रहा है ये दो फैक्ट्स है इस आदमी को दिखेगा कि यह बोल्ट जीरो इनिशियल वेलोसिटी से और एट एक्सेलरेशन से नीचे आने लगा और फ्लोर से टकरा गया अगर लिफ्ट रियली में चलती रहती उसी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन टू से तो सच में इसको यही दिखाई देता कि यह बोल्ट छत से खुला और सीधा आके फर्श से टकरा गया जहां ग्राउंड फ्रेम में ये क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बोल्ट ऊपर गया फिर नीचे आया फ्लोर ऊपर गया ये सारे कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाते हैं अगर हम लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में चले जाए इन जनरल ये सिचुएशन है यहां की पर आपको मैं ये बता दू इस क्वेश्चन में थोड़ा और कॉम्प्लिकेशन है <laughs> क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि लिफ्ट की वेलोसिटी वन है और रिटार्डेशन टू है तो आप सभी कैलकुलेट कर सकते हैं कि लिफ्ट अगले पॉइंट फाइव सेकंड में रुक जाएगी लिफ्ट अगले 0.5 में रुक जाएगी लिफ्ट के मोशन के लिए मैं अगर यह इक्वेशन यूज करता हूं तो आपको देखिए क्या मिला 0.5 सेकंड सेकेंड लिफ्ट की वेलोसिटी जीरो कितने समय में हो जाएगी 0.5 सेकंड सेकेंड पॉइंट सेकंड सेकेंड में लिफ्ट रुक जाएगी राइट अगर पॉइंट सेकंड सेकेंड तक यह बोल्ट यहां नहीं टकराया है अगर 0.5 सेकंड के अंदर टकरा गया है तब तो कोई बात नहीं बहुत अच्छी बात है इस ऑब्जर्वर को दिखेगा कि ये बोल्ट सीधा आया और नीचे गिर के टकरा गया एक मिनट कर अब हम ये क्या देख रहा है, ये सोच रहे है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो चार मीटर का डिस्प्लेसमेंट होने में कितना समय लगेगा अगर हम एक जल्दी से कैलकुलेशन कर इक्वेशन यूज करके यूटी प्लस हाफ ए टी स्क् तो चार मीटर का डिस्प्लेसमेंट होने में कितना समय लगेगा जरा कैलकुलेट करके देखिए तो एक सेकंड लगेगा एक सेकंड लगेगा अगर सच में लिफ्ट टू के रिटार्डेशन से चलती ही रहती मान लो तो सच में ऐसा होता कि थ्रू आउट मोशन इस आदमी को इसका एक्सेलरेशन एट डाउनवर्ड दिखता और चार मीटर चलने में एक सेकंड लगता पर सच्चाई यह है कि आधे सेकंड में तो यह लिफ्ट रुक जानी है उसके बाद रुक गई तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्या कहा गया क्वेश्चन में लिफ्ट ऊपर जा रही है रुकने वाली है तो भाई कॉम्प्लिकेशन यह हो गया कि पॉइंट फाइव तक के लिए तो हमारा यह जो डिस्क्रिप्शन है मोशन का सही है इस आदमी को इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो दिखी और एक्सेलरेशन एट दिख रहा है कब तक पॉइंट फाइव सेकेंड तक क्यों क्योंकि पॉइंट फाइव सेकेंड के बाद लिफ्ट ठहर गई लिफ्ट का एक्सेलरेशन जीरो हो गया इस आदमी का एक्सेलरेशन जीरो गया। उसके ये बोल्ट का एक्सेलरेशन इस आदमी को टेन जी डाउनवर्ड ही दिखाई देगा क्योंकि अब तो लिफ्ट की फ्लोर चल नहीं रही है आदमी चल नहीं रहा है तो लिफ्ट सिर्फ तक चली और रुक गई तो पॉइंट फाइव सेकेंड तक यह बोल्ट सीधा नीचे गिरता हुआ दिखाई देगा विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ एट उसके बाद इसी आदमी को बोल्ट का एक्सेलरेशन टेन जी डाउनवर्ड दिखाई देने लगेगा क्योंकि इस आदमी का खुद का एक्सेलरेशन जीरो तो ये एक एडिशनल कॉम्प्लिकेशन है इस क्वेश्चन में बहरहाल मुझे लगता है आप क्वेश्चन को काफी हद तक समझ गए हैं और अभी भी चाहें तो खुद से ट्राई कर लें। राइट right? कर सकते हैं चलिए मैं जल्दी से इस क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व कर देता हूं हम लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में हैं। लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में बैठे इस आदमी के लिए ये ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी जीरो से चला और 0.5 सेकंड सेकेंड तक नीचे गिरता रहा हम ऐसा सोच रहे हैं 0.5 सेकंड सेकेंड क्यों क्योंकि 0.5 सेकंड सेकेंड तक इस आदमी को इसका एक्सलोरेशन 8 मीटर पर सेकेंड 0.5 सेकंड के इंटरवल में यह बोल्ट कितना नीचे आ गया होगा लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज वाई वन आंसर इज वाई वन इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ध्यान दीजिए ये इक्वेशन जो मैंने लिखा है

लेकिन इस तीन मीटर के डिस्टेंस को ये बोल्ट इस आदमी को जो दिख रहा है उसकी बात कर रहा हूं इस आदमी को अब बोल्ट का एक्सलरेशन डैश टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिखाई दे रहा है जी के बराबर क्योंकि इस आदमी का खुद का एक्सेलरेशन खत्म हो चुका है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन जीरो है बोल्ट का एक्सेलरेशन टेन है तो इस आदमी को भी बोल्ट का एक्सेलरेशन अब टेन दिखाई देगा इस पॉइंट फाइव सेकेंड के बाद जब ये बोल्ट यहां है इसकी स्पीड कितनी है वी नॉट ये भी जरा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं यहां से यहां के मोशन के लिए जीरो यू की वैल्यू जीरो एट, मीटर पर आठ के एक्सेलरेशन से पॉइंट फाइव सेकेंड तक गिरा तो इसकी वेलोसिटी हो गई है फोर मीटर पर सेकेंड अब सिचुएशन यह है कि यह तीन मीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल करना है इसको तीन मीटर इसकी इनिशियल वेलोसिटी फोर है इसका एक्सेलरेशन टेन है ऐसा किसको दिख रहा है इसको तो अब ये आदमी यहां से यहां तक के टाइम ऑफ ट्रेवल को कैलकुलेट करने के लिए ऐसा इक्वेशन लिखेगा दिस डिस्प्लेसमेंट इज थ्री मीटर इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इज फोर मीटर पर सेकेंड टी टी को टी ही लिख ले रहा हूं टी डैश वगैरह नहीं लिख रहा हूं टी लिख रहा हूं एक्सेलरेशन इज टेन हाफ जी टी ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन मेरे पास कहीं लिखा हुआ है तो मैं आपका सीधा आंसर लिख देता हूं आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिएगा इसको इसका जो सोल्यूशन है आप कैलकुलेट करेंगे ठीक से तो टी इज इक्वल टू लगभग जीरो पॉइंट फोर सेवन सेकेंड आ जाएगा जीरो पॉइंट फोर सेवन सेकेंड तो यहां से यहां तक जाने में जीरो पॉइंट फोर सेवन सेकेंड लगा यहां से यहां तक आने में पॉइंट फाइव सेकेंड लगा तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया वो 0.5 फाइव प्लस जीरो ये 0.97 सेकंड के आसपास हो गया ये हो गया क्वेश्चन का पहला पार्ट अब जो दूसरा पार्ट है वो पूछता है कि इस पूरे प्रोसेस को होते होते जो ग्राउंड पे खड़ा आदमी है उसने बोल्ट का डिस्टेंस ट्रेवल कितना देखा बच्चों उससे पहले मैं फिर से एक बार आपको समझा दूंगा कि अगर इसी क्वेश्चन के इस हिस्से को ही अगर हम ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में बना रहे होते तो कैलकुलेशंस थोड़े ज्यादा टीडीएस सोचने में भी थोड़ा पेचीदा होता बहुत नहीं पर थोड़ा ज्यादा पेचीदा होता हम जैसे ही लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में आ गए तो हमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो दिखने लगी और इसका डिस्प्लेसमेंट चार मीटर होते ही ये फर्श से टकरा जाएगा तो लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में बोल्ट का मोशन काफी आसान है पर क्वेश्चन बनाने वाला क्या पूछ रहा है आप हमसे ग्राउंड के फ्रेम में बताओ कि उस बोल्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ग्राउंड के फ्रेम में बताओ तो प्लीज ध्यान दीजिए अब हमें ग्राउंड के फ्रेम में मजबूरी में काम करना पड़ेगा वी आर हेल्पलेस मोरलेस जस्ट सॉरी वेरी सॉरी ग्राउंड के फ्रेम में हम हमें यह काम करना ही पड़ेगा आइए करते हैं ग्राउंड के फ्रेम में काम सिचुएशन कुछ ऐसी है ये लेफ्ट बोल्ट इसकी इनिशियल वेलोसिटी ग्राउंड पे खड़े आदमी को क्या दिखाई देगी वन मीटर पर सेकेंड ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है भाई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है उसको इनिशियल वेलोसिटी दिखाई दे रही है मीटर पर अपवर्ड उसका इनिशियलेशन क्या दिखाई दे रहा है जी डाउनवर्ड तो एक ऐसे सिंपल से क्वेश्चन को हम अलग से सोचते हैं कि किसी एक पार्टिकल को अगर वन की वेलोसिटी से ऊपर फेंका जाए और उस मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो मैक्सिमम किस हाइट तक जाता है वट इज हाइट अटेंट आप सभी जानते होंगे शायद यू स्क्वायर बाई टू जी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि u स्पीड से किसी को फेंका तो मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा यहाँ पे u की वैल्यू 1 है तो ये कितना आ गया देखिए रिटार्डेशन मैंने एक्सेलरेशन 10 ही है ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में सो वन बाई मीटर ठीक तो जहां से वो बोल्ट छूटा ग्राउंड पे खड़े आदमी को दिखेगा कि वहां से वन बाई ट्वेंटी मीटर की हाइट तक ये ऊपर गया ये वन बाई ट्वेंटी मीटर की हाइट तक ऊपर गया ठीक है भाई इस वन बाई ट्वेंटी मीटर तक ऊपर जाने में उसको कितना समय लगा होगा आप टाइम भी चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं इस टाइम को हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा यू बाई जी एक स्टोन को यू स्पीड से ऊपर फेंका तो टाइम ऑफ असेंट ऊपर जाने का टाइम यू बाई जी यू की वैल्यू कितनी है बच्चे वन पॉइंट वन सेकेंड वन सेकेंड में वो टॉप पे होगा और उसने इस पॉइंट वन सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो वन बाई ट्वेंटी मीटर के इक्वल है आई होप यहां तक सभी बच्चों को बात समझ में आती है इसके बाद क्या करें अब नेचुरली ये स्टोन का लिफ्ट से कोई कनेक्शन नहीं है ठीक है लिफ्ट अलग चल रही है स्टोन अलग चल रहा है स्टोन का एक्सेलरेशन uh, है तो, यहां रुका तो नहीं रहेगा यहां यहां ठीक और हमें इस बात की कंप्लीट जानकारी है पिछले क्वेश्चन के सॉल्यूशन से कि पॉइंट नाइन सेवन सेकेंड में ये स्टोन फर्स्ट से इस फ्लोर से जाके टकरा गया है मतलब इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिर्फ 0.97 सेकंड है। 0.97 सेकंड है बच्चों करो। 0.97 में से 0.1 तो नीचे आने का जो टाइम है टाइम ऑफ डिसेंट वो कितना हो गया कंफ्यूज मत होना मेरी बात को फिर से एक बार सुन लो पिछले क्वेश्चन के सोल्यूशन से हमें यह पता है कि यह पत्थर टोटल पॉइंट नाइन सेवन सेकेंड तक हवा में रहा फर्श से टकराने के पहले तक अब हमने अभी कैलकुलेट किया कि नीचे से ऊपर जाने में इसको जो टाइम लगा है वो पॉइंट वन सेकेंड लगा है तो नीचे से ऊपर ये आदमी ऐसा देख रहा है पॉइंट वन सेकेंड तक ऊपर गया उसके बाद पॉइंट एट सेवन सेकेंड तक नीचे आया ये फ्लोर भी ऊपर गया है कुछ और ये आके टकरा गया फ्लोर तो पॉइंट फाइव सेकेंड तक चलने के बाद चलना बंद हो गया ठीक है ये पत्थर ऊपर जा रहा है ये फ्लोर ऊपर जा रहा है अब ये फ्लोर रुक चुका है ये पत्थर आके ऐसे टकरा गया ऐसे ही कुछ हुआ है हमें यह पता लगाना है कि भाई यह ऊपर कितना गया है वन बाई ट्वेंटी मीटर अब यहां से यह कितना नीचे उतरा है यह फ्लोर यहां आ गया और यह कोलिजन हो गई तो ये जो हाइट है इसको अगर मैं वाई लिख दो यह अब आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो क्यों क्योंकि अब हमें पता है कि इसको ऊपर से नीचे आने के लिए जो समय मिला है वो पॉइंट एट सेकेंड पॉइंट एट सेवन सेकेंड मिला है तो ये यहां पर तो रेस्ट पे था एक पार्टिकल को यहां से छोड़ दिया पॉइंट एट सेवन सेकेंड में वो कितना नीचे आएगा वाई डू टी इनिशियल वेलोसिटी जीरो हाफ जी टी स्क्वायर ठीक है इतना नीचे आएगा वो ये कैलकुलेट करके हमने रखा है और ये नंबर आ जाता है थ्री पॉइंट सेवन एट मीटर थ्री पॉइंट सेवन एट मीटर तो ध्यान दो ये नट जो है कितना ऊपर गया था वन बाई ट्वेंटी मीटर मतलब पॉइंट जीरो मीटर पॉइंट जीरो फाइव मीटर ऊपर गया और बाकी बचे समय में कितना नीचे आया थ्री पॉइंट सेवन एट तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया पॉइंट जीरो फाइव प्लस थ्री पॉइंट सेवन एट इसमें अगर आप जीरो पॉइंट जीरो फाइव जोड़ देंगे तो थ्री पॉइंट एट थ्री मीटर यह हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है थोड़ा सा शायद कुछ लोगों को ये अटपटा भी लग रहा होगा क्वेश्चन अभी तक पर हो सके तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए ये क्वेश्चन समझना जरूरी है मेरी समझ से इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा गया क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल पूछा गया है इसका ख्याल करना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रैवल्ड हमने रेफरेंस फ्रेम किस तरीके से बदले उसको देखिए आप गौर कीजिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिफ्ट के रेफरेंस फ्रेम में थे लेकिन क्वेश्चन बनाने वाला पूछ रहा है ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में डिस्टेंस ट्रेवल कितना है तो मुझे मजबूरी में ग्राउंड के रेफरेंस फ्रेम में आना ही पड़ा ओके स्टूडेंट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ सम मोर क्वेश्चन गुड बाय